स्पोर्ट प्रेडिक्शन पर आपको दी जाती है क्रिकेट से रिलेटेड ऑल अपडेट। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के उन 7 प्लेयर्स के बारे में जो कि मैदान के बाहर बहुत ज्यादा चर्चा में नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जो कि इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ से अच्छा नहीं माना जा रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं उस वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर भी फर्क पड़ रहा है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपके पास हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल हालिया समय में मैदान के बाहर की हरकतों को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में नजर आए हैं। गिल के बारे में लगातार दावा किया जा रहा है कि वे बॉलीवुडी अभिनेत्री सारा खान को डेट कर रहे हैं। अब तक गिल या सारा में से किसी की भी तरफ से यह स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन अक्सर इन दोनों के रिलेशन की होने की चर्चा होती रहती है। हालांकि गिल पहले ऐसे क्रिकेटर नहीं है जो बॉलीवुडी अभिनेत्री या मॉडल को डेट कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनके साथ ऐसे 7 भारतीय क्रिकेटरों के बारे में जो कि किसी अभिनेत्री या मॉडल को डेट कर रहे हैं। दोस्तों लिस्ट में पहले नंबर पर है शुभमन गिल और सारा अली खान। वहीं दोस्तों लिस्ट में दूसरे नंबर पर है ऋषभ पंत और ईशा नेगी। ऋषभ पंत अपने रिश्ते को लेकर हमेशा से मुकर रहे हैं, उन्होंने इससे पहले भी इसे छिपाया है। उर्वशी के साथ उनका कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही थी और 2019 में जब उनके बीच कुछ गलत हुआ, चीज़ें खराब हुई, उसके बाद उन्होंने 2019 में ईशा नेगी के साथ रिश्ते को स्वीकार किया था। दोस्तों लिस्ट में तीसरे नंबर पर है केएल राहुल और आत्या सेठी। आत्या सेठी सुपरस्टार सुनील सेठी की बेटी है। दोस्तों नेक्स्ट नंबर है ईशान किशन और आदिति होंडिया का। दोस्तों उसके बाद पृथ्वी शॉ और प्राची सिंह। दोस्तों उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और सयाली संजीव। उसके बाद दोस्तों वेंकटेश अय्यर और प्रियंका जवालकर। ये 7 क्रिकेटर थे जिनका मैदान के बाहर किसी मॉडल या किसी अभिनेत्री के साथ होने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? अगर ये सच है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसकी जोड़ी आपको पसंद आई वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी क्रिकेट से रिलेटेड ऑल अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।